तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, हर पल मिस करे, आपके बिना कुछ और उसके दिमाग में चले ही नहीं, 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहे, सोए तो आपके बारे में सोचे, जागे तो आपके बारे में सोचे, नींद में हो तो आपके बारे में सोचे, मतलब हर पल 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप ही आप उसके दिमाग में चलते रहोगे। अगर ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा 3 काम बताऊँगी जो करने के बाद ऐसा ही होगा जो अब तक से मैं बता रही हूँ कि वो बिल्कुल आपके बारे में ही सोचेंगे, 24 घंटे सोचेंगे, दिन रात सोचेंगे, आपके अलावा और कोई चिंता उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है लड़का लड़की सबके लिए। चैनल में न्यू हो तो अब भी श्रीपर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको 24 घंटे मिस करे तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसको अपना आदत लगवाना पड़ेगा। जैसे आप उसको अपना आदत लगवा दोगे, वो आपके आदी हो जाएंगे, तो वो आपको कैसे भी करके छोड़ नहीं पाएंगे। और उस टाइम में अगर आप उसको गैप देते हो रिलेशनशिप में, जैसे आप बात करते हो उस टाइम में आप थोड़ा गैप दे दिए, तो वो 24 घंटे आपके बिना और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आदत कैसे लगवाए, कैसे क्या करें जिससे कि मेरा आदत सामने वाले को लग जाए, यही सोच रहे हो ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको 21 डेज फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, कोई भी आदत हमें लगने के लिए 21 डेज का समय ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हो पार्टनर आपका आदी हो जाए, आपका आदत लग जाए, तो 21 डेज कम से कम आपको समय देना पड़ेगा। और कैसे आप समय दोगे, कोई भी एक काम आप कंटिन्यू करते रहो 21 डेज तक या फिर 30 डेज तक, ठीक है। 21 डेज तो मिनिमम लगेगा और 30 मैक्सिमम है, इसमें तो आदत लग ही जाएगा। तो आप कोई भी एक काम डेली 21 डेज से 30 डेज तक डेली करो, या तो सुबह का मैसेज भेजते रहो गुड मॉर्निंग के साथ, या फिर कोई क्वेट्स डाल दो उसके साथ गुड मॉर्निंग भेजते रहो, या फिर नाइट में कोई क्वेट्स डाल के गुड नाइट भेजते रहो, कुछ भी करके आप 21 डेज तक कुछ भी चलाओ जो कि कंटिन्यू होना चाहिए, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ये काम 21 डेज तक कर देते हो तो दोस्तों आप आधा जंग जीत जाते हो, उसको आपका आदत लग जाएगा। और फिर अगर आप उसके साथ कुछ भी चीज़ में गैप दोगे, या तो बातों में गैप दे दोगे एक दो दिन, या फिर मैसेज जो करते थे उसमें गैप दे दोगे, कुछ भी चीज़ में अगर आप गैप दे दोगे तो 24 घंटे वो आपको सोचने के लिए लिटरली मजबूर हो जाएंगे। वो आपको हर पल मिस करेंगे, आपके बिना कहीं उसका मन नहीं लगेगा, कुछ भी करने इच्छा नहीं होगा। तो जरूर आप ये वाला पॉइंट ट्राई करना। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं कि ऐसा क्या काम करें जिसके बाद पार्टनर आपको हर पल मिस करेंगे, 24 घंटे मिस करेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो काम है यह है दोस्तों, जब भी आप उससे फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे तो बात होता ही होगा ना, तो जब भी आप उससे फोन पे बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले फ़ोन काटना है। और ये सुन के आपको एक छोटा पॉइंट लग रहा है ना, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। आपको अगर पहले फ़ोन काटना मुश्किल लगता है तो दोस्तों ये जो जंग है ना, आप हार गए समझो। क्योंकि अगर आप पहले फ़ोन नहीं काट सकते तो पार्टनर को आप मिस नहीं करवा सकते। क्योंकि एक चीज़ आप सोचो, जब वो बोलते हैं ठीक है चलो अभी रखते हैं, तो आपके अंदर कैसा भूचाल होता है, आपके अंदर कैसा हलचल मचता है कि अरे यार ये जा रही है, या फिर पता नहीं कब आएगी, कब बात होगा, इस तरह का एक बेचैनी महसूस होता है ना। तो यही बेचैनी अगर आप उसके अंदर महसूस करवाना चाहते हो तो यही काम तो आपको करवाना पड़ेगा ना। तो पहले आपको फ़ोन काटना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, फ़ोन तो काटते नहीं हो, आप बैठे रहते हो देवी जी कब बोलेंगे ठीक है चलो रखते, तब तक आप बैठे रहते हो बातें करते जाते हो, और फिर आप ये चाहते हो कि वो आपको हर पल मिस करेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे, अगर उसको आप मिस करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना भी तो पड़ेगा ना एक्शन, तब आपको रिएक्शन मिलेगा। हर पल मिस करना उसका रिएक्शन है, इसके लिए आपको पहले एक्शन करना पड़ेगा। तो पहला तो मैं बता दी, दूसरा यही है, जब भी फ़ोन पर बात कर रहे हो पहले काटो, पहले बोलो ठीक है बाय रखते हैं, मैसेज पे बात कर रहे हो चैटिंग कर रहे हो पहले बोलो ओके बाय अभी जाते हैं अभी काम है। कभी भी इतना देर तक इंतज़ार ना करो कि वो सामने से बोल दे, वो आगे चल के लीडर बन के बोल दे कि ठीक है चलो अब
भी रखते हैं, ऐसा तो होने मत दो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए आपको पहले फ़ोन रखना है। आपको लगता है ना उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि देखो इग्नोर करा, तो लगने दो। यही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ, लगवाना ज़रूरी है, तभी वो आपको मिस करेंगे। तो ज़रूर आप पहले फ़ोन काटो। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको 24 घंटे मिस करे बिना रुके, बिना थके 24 घंटे आप उसके दिमाग में तैरते रहोगे, तो ये थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थर्ड वाला पॉइंट में थोड़ा सा खुराफाती दिमाग भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है दोस्तों, आप उसको परफ्यूम का आदत लगवा दो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक टाइप का परफ्यूम आप 21 डेज से लेकर 30 डेज तक इस्तेमाल करो कंटिन्यूसली, फिर उसका आदत ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि आप ये वाला परफ्यूम यूज़ करते हो, ठीक है। अब जैसे उसको ये पता चल गया, उसको आदत लग गया कि आपका परफ्यूम यही है, वो आपकी वो जो खुशबू है ना वो पहचान लिया, नोटिस कर लिया, ठीक है। अब आपको मेन काम करना है, उसके साथ एक दिन डेट पे जाओ, उसको बुला लो अपने घर या फिर उसके साथ कहीं पे डेट पे जाओ, और जब वो कहीं पे भी जाते हैं अपना पर्स छोड़ के या फिर अपना वॉलेट छोड़ के या फिर अपना हैंकी छोड़ के कहीं पर भी जाते हैं ना, तो उस टाइम में आपका वो वाला परफ्यूम साथ में लेके जाओ और छुपा के उसके वही चीज़ों में डाल दो, चाहे बैग में डाल दो या फिर आप उसके हैंकी में डाल दो या फिर आप उसके वॉलेट में डाल दो, कहीं पर भी वो वाला परफ्यूम आप छिड़क दो, ठीक है। और आप जाओ उसको फिर से छिपा के घर में लेके चले आओ। और इससे क्या होगा दोस्तों, वो जब भी वो वाला चीज़ यूज़ करेंगे उसको आपकी फ्रेग्रेंस महसूस होगा, और वो सोचेंगे कि अरे यार वो कितना ज़्यादा मेरे दिमाग में हावी हो गया कि हर तरफ मुझे उसका ही खुशबू महसूस हो रहा है। और दोस्तों उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या खुराफाती आइडिया लगाया, उसको लगेगा कि हमारा प्यार कितना डिवाइन है, कितना हमारा प्यार प्योर है कि मुझे 24 घंटे सिर्फ उसका खुशबू महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है तो खुराफाती दिमाग लगाने का चीज़, लेकिन काम आपका 110% होगा, वो आपको याद करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया है लास्ट वाला। वैसे पहले का दो आइडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप ये तीनों ट्राई करना और फिर देखो मैजिक, कैसे पार्टनर आपको 24 घंटे मिस करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग लव टिप्स के वीडियोस अगर आप डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।